मुझे लगा कि आप समझेंगे। और अगर कर ली थी शादी तो तुम्हारे सारे हुकूक पूरे करता मैं। वो मूवी में नहीं मरी, औलाद का डीएनए कराने गए थे तो मेरे किरदार पर ही शक हुआ ना आपको। मैं पता नहीं कितने सालों से साथ मुझे। तो दोस्तों, क्या नमीर अंदलीब को जारा की वजह से छोड़ेगा? क्योंकि नमीर जारा से की गई मोहब्बत की वजह से अपनी बेटी कबूल नहीं कर रहा और वो अंदलीब के करैक्टर को लोगों के सामने लाने वाला है, क्योंकि इसे पहले दिन से ही अंदलीब पर भरोसा नहीं था, वो इसे अभी भी एक कमसिन बच्ची समझता है। फ्रेंड्स, हम ड्रामा जफा की स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए कंप्लीट अपडेट्स के लिए वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि नमीर ने अपनी बेटी का डीएनए करवाया है, आखिर वो बगैर डीएनए करवाए ही वापस आ गया? मुझे ये लगता है कि नमीर ने डीएनए नहीं करवाया, ये सिर्फ मेरी प्रेडिक्शंस हैं। हो सकता है नमीर ने डीएनए टेस्ट करवाया होगा। दोस्तों, अगर कहानी पर नजरसानी की जाए तो नमीर ने टेस्ट नहीं भी करवाया, फिर भी अंदलीब का एतबार टूट चुका है। वो ये बात जान चुकी वो एक बद किरदार औरत है जो अपने शौहर के होते हुए दूसरों के बच्चे पैदा कर रही है। नमीर अब अंदलीब को हासिल करने के लिए बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करने वाला है, क्योंकि अंदलीब इसे छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाएगी और फिर वो भी डॉक्टर जारा की तरह अपने शौहर की बुरी हरकत की वजह से इसे छोड़कर बैठ जाएगी। ड्रामा जफा के हवाले से इसकी राइटर ने स्टोरी एक्सपोज कर दी। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल के इंटरव्यू में बताया है कि ड्रामा जफा एक मकबूल हम टीवी ड्रामा है जो अच्छी रेटिंग और टीआरपी हासिल कर रहा है। पिछले हफ्ते जफा अपने मुतनाज़ा मोड़ की वजह से सुर्खियों में आया, जहां डॉक्टर नमीर अपनी पैदा होने वाली बच्ची को डीएनए टेस्ट के लिए अस्पताल ले गए। ड्रामे के इस मंजर की वजह से शायकीन की तरफ से बहुत अजीब रिस्पॉन्स आया। दोस्तों, कुछ दिन पहले ड्रामा जफा की राइटर ने डॉक्टर नमीर के किरदार का दिफा किया और शायकीन को बहुत अहम बातें भी बताई। उन्होंने कहा कि नमीर ने अगर अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाया है तो इसमें क्या हर्ज हो सकता है? नमीर की अपनी खामियां हैं, मैं अपने ड्रामों में कभी बदसलूकी करने वालों को हीरो के तौर पर नहीं दिखाती। मेरा हीरो हमेशा अपनी खातून की हिफाजत करता है और नमीर बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है। दोस्तों, ड्रामा जफा की राइटर की ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई। ये कैसा इंसान है जिसे खुद पर भरोसा ही नहीं और वो अपनी ही बेटी को किसी और की बेटी समझ रहा है और अपनी बीवी अंदलीब के किरदार पर कीचड़ उछाल रहा है? ये कैसी हिफाजत है जो डॉक्टर नमीर अंदलीब की कर रहा है? दोस्तों, अब ड्रामा जफा की राइटर से इत्तेफाक करते हैं, क्या वो डॉक्टर नमीर के किरदार का दिफा करके शायकीन को नाराज कर रही है? फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में मुझे इस ड्रामे की कहानी के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि डॉक्टर नमीर जैसे लोग हीरो हो सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह निगहबान।